सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो गाइज देखिए, आज हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, आई मीन मेरे इन लॉज के यहाँ से आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड के भाई एंड भाभी आ रहे हैं। तो हम दोनों ने मिलके आज बहुत काम किया है, घर की साफ सफाई की है, और मैं आपको बताऊँगी, आई मीन मैं उनसे आपको मिलाऊँगी। तो देखिए, घर आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, आई मीन बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा है, क्योंकि हमारे लिए हॉलीडे था, तो हम सोचे चलो आज करके हम तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ हमने आज घर के लिए किस तरह से अच्छे से नीट एंड क्लीन घर की साफ़ सफाई की है, क्योंकि मैंने पूरा डीप क्लीनिंग किया था और टाइम नहीं मिल पाता है गाइस, क्योंकि ऑफिस रहता है घर रहता है तो कैसे दोनों मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बट कोई नहीं, अभी आदत सी होगी तो थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। और ये तो मेरा हॉल का एरिया था, तो मैं भी आपको बेडरूम में लेके चलती हूँ। बेडरूम एक्चुअली थोड़ा सा मैसी बड़ा रहता है, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में ऑफिस जाती हूँ तो जल्दी जल्दी यहाँ वहाँ सामान फेंक के चली जाती हूँ, और बस टाइम मिला तो मैंने अभी सब चीज़ को एक एक जगह पर सेट दिया। तो ये थी मेरी आज की घर की साफ सफाई। तो चलो, ये तो मेरा कंप्लीट हुआ था, अभी घर पे गेस्ट आने वाले हैं तो मैं जा रही हूँ अभी घर की कुकिंग करने के लिए। तो बस अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। तो बस अभी मैं सारी चीज़ें निकाल रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी ये सारा मसाला निकाल के रखा है, क्योंकि जब तक चिकन के अंदर मसाला अच्छे से नहीं रहता है तो चिकन में टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने सारा मसाला अभी मैं इसे ग्राइंड करने जाऊँगी, उसके साथ में मैंने ये हरा मसाला भी मैंने ऑलरेडी यहाँ से निकाल के रखा हुआ है यहाँ पर, एंड ये गार्लिक भी, तो मैंने अच्छे से इसे ग्राइंड कर लिया है। यस, तो मैंने अभी मेरा गैस ऑन कर लिया है और मैंने उस पर कढ़ाई रख दिया है, ऑयल भी डाल दिया है, और सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये अखा मसाला, क्योंकि अखा मसाला ऑयल में जब जाता है अच्छे से पकता है, तो हम जब चिकन इसके अंदर ऐड करेंगे तो सबसे पहले खुशबू अच्छी आती है हमें अखे मसाले की। तो मैंने यहाँ पर जो आपको मसाला दिखाया था, मैंने सब ग्राइंड करके लिया और मैं अभी इसमें ऐड करने जा रही हूँ, और अच्छे से मैं इस मसाले को पकाऊँगी, क्योंकि मसाला पकने के बाद ही चिकन के अंदर टेस्ट आता है गाइस, और मुझे अच्छे से मसाला पका के लेंगे तो ही अच्छा लगता है। तो मैंने अभी इसमें जिंजर पेस्ट भी डाला है, अब इसके बाद में मैं डालती हूँ मेरे जो भी घर के मसाले इसमें ऐड करूँगी। तो गाइस अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर एंड चिकन मसाला, धनिया पाउडर, एंड हमारे घर में जो भी पिसे हुए मसाले हैं तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और अच्छे से इसे पकाऊँगी। सो फ्रेंड, देखिए फाइनली मेरा मसाला पक गया है और इसमें ऑयल भी छोड़ दिया है, तो अभी इसके बाद में लास्ट में मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी, और चिकन ऐड करने के बाद में मैं और अच्छे से इसे पकाऊँगी, क्योंकि ये जब चिकन हम इसके अंदर ऐड करेंगे और चिकन भी अच्छे से मसाले के अंदर बोन्स में चला जाएगा तो खाने के टाइम पर वो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अभी मैं उसको ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से मसाला मेरा पक गया और मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड किया है, और मैं इसे लो फ्लेम पे ऐसे ही थोड़ा सा पकने दूंगी, एंड लास्ट में मैंने इसमें डाला है दही, क्योंकि मुझे दही चिकन में डालने के बाद में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा सा कोरमा जैसा टेस्ट आ जाता है, तो मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। तो फाइनली मेरा चिकन यहाँ पर बन रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लो फ्लेम पर मेरा चिकन रख दिया, अच्छे से पक रहा है। उसके साथ में मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। यस, तो फाइनली अभी मेरा रेड टेपर शूज़ आ गया है। तो गाइस मुझे ना बहुत टाइम से रेड टेपर शूज़ चाहिए था, और ये देने के लिए मेरे पास में टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ऑफिस घर एंड ऑल, तो मैं एक बार देख के आई थी, बट ये मेरा शूज़ मेरा मतलब जो मेरा साइज़ है पैर का वो नहीं था। देन उसके बाद में सुशील ने मुझे ये शूज़ ला के दिया था, और ये शूज़ देखने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा पागल हो गई थी, क्योंकि मुझे शूज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं प्रीफेयर करती हूँ इस टाइप के शूज़। तो उन्होंने मुझे ये शूज़ ला के दिया, और ये शूज़ देखने के बाद में तो आपको भी फील होगा कि यार मतलब बहुत ही प्यारा शूज़ है, और मैं इसे आपको दिखाती हूँ। एंड इसका कलर बहुत बेस्ट है, ये पहनने में भी कम्फर्टेबल है। तो फाइनली मुझे ये रेड टाइप का शूज़ मिल गया था, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो गाइस देखिए कितना प्यारा है यार, इसका कलर देखो, मेरा फेवरेट कलर है, पीच कलर है, इसमें वाइट कलर है, येलो कलर है, एंड मतलब बहुत ही प्यारा लुक है इसका।
तो फ्रेंड्स देखिए ये है इसका फाइनल लुक एंड ये बहुत कंफर्टेबल है। मैं आपको अभी ट्राई करके मैं दिखाती हूँ और यार मैं इसके बारे में मतलब मैं मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए यार। Amazing! चलो फ्रेंड्स मैं इसे ट्राई करके दिखाती हूँ और बताती हूँ आपको ये कितना कंफर्टेबल। तो गाइस देखिए ये मैंने ट्राई किया और ट्राई करने के बाद में ये काफ़ी कम्फी था, काफ़ी कंफर्टेबल था एंड लुक तो बहुत ही ऑसम था। तो आप भी जाइए रेड टैब से शॉपिंग करो, ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, मुझे बहुत पसंद आया ये शूज़। सो फ्रेंड देखिए साइट में मेरी चिकन बन रही थी और यहाँ पे मैंने आके अपना जो शूज लिया था मैंने वो भी दिखाया और गेस्ट हमारे आ चुके हैं तो मैं अभी आपसे मिलाती हूँ। नेहा गाइस देखिए ये है मेरी फैमिली और ये लोग आ चुके हैं और अभी मुझे इनके साथ में जाना है क्योंकि मुझे इनको खाना है और वो सब कुछ निकाल के देना है क्योंकि हमने चिकन के अलावा भी बाहर से काफी कुछ मंगा के रखा था। तो बस अभी मैं जा रही हूँ इनके साथ में और इनके साथ में एंजॉय करूंगी, ये सारी मेरी फैमिली है और आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा। देखो चिकन भी मेरी बन के रेडी हो चुकी है, काफी टेस्टी है। तो अगर तो देखिए गाइस आज का दिन हमारा कंप्लीट हुआ, आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही मुझे प्यार करना, लव यू और बाय बाय, टेक केयर।